रेनिंग सीजन और विंटर सीजन में सोरेसिस, एक्जिमा, डर्माटाइटिस या फिर फंगल इन्फेक्शन ऐसे बहुत सारे स्किन डिसीजेज बहुत कॉमन रहते हैं। किसी को सफ़ेद दाग आ जाते हैं जिसे विटीरिगो भी कहते हैं, या फिर स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस आ जाती है, अर्टिकेरिया जिसे कहते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रहता है, ड्राई स्किन, डेड स्किन हो जाती है। और ऐसे पेशेंट बार बार स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को कभी तो 10, 15, 20 साल से स्किन एलर्जी कंटिन्यूसली होती रहती है। इसमें क्या आप स्टेरॉइड्स खाते हैं, एंटीफंगल्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में आपकी ये ट्रीटमेंट चालू है तो क्या आपको ये लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, 5 to 10 डेज से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसका लीवर, किडनी पे, ब्रेन पे थोड़े दिनों बाद असर आ जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है। आयुर्वेदम से आप इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। इसमें सिंपल ट्रीटमेंट आती है। इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको ये डिसीज़ हुआ कैसे, आपको ये जेनेटिक डिसीज है यानी माता पिता से आपको हो गया है, या बहुत स्ट्रेस हार्मोन जिनका हाई लेवल रहता है उनको ये होता है, जो लोग पानी कम पीते हैं, यूरिन आउटपुट कम रहती है, इनको ये कॉमनली रहता है, या फिर जो बाहर बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं, सनलाइट जिनको मिलता नहीं है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन बार बार फॉर्म हो सकता है। दूसरा रहता है लीवर डिसऑर्डर्स, जिनका डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये फंगल इन्फेक्शन बार बार पाया जाता है। और इसमें थर्ड रहता है मसालेदार, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा, तला हुआ, या फिर स्पाइसी पैक्ड फूड, या मैदा, ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट्स, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठंडा खाते हैं, कोका कोला, पेप्सी बार बार पी लेते हैं, तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन फॉर्म हो जाता है। तो इसमें सिंपल ट्रीटमेंट रहता है, तो इसमें सवेरे उठ के ही एलोवेरा, आंवला, हल्दी, नीम, तुलसी, व्हीट ग्रास, गोधन अर्क या गोमूत्र आधा से एक कप जूस पिलाया जाता है। अगर बहुत ईचिंग है तो दिन में 2 बार या 3 बार दिया जाता है। उसमें सिंपल हर्बल मेडिसिंस रहती हैं, 1 चम्मच चूर्ण रहता है जो दिन में 1 or 2 or 3 times a day अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट दिया जाता है। उसमें मैदा, ब्रेड, बिस्किट कम्प्लीटली बंद करके बहुत ज़्यादा इचिंग हो तो रक्तमोक्षण दिया जाता है। और पंचकर्मा ट्रीटमेंट आपको इसमें इमिजिएटली शुरू किया जाता है, 11 to 15 days दिया जाता है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, और थोड़े दिनों में पेशेंट को सोरियासिस, विटिलिगो से कम्प्लीटली रिकवरी मिलती है।